1000 बहनों से राखी बंधवाने वाले पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव आज निवाड़ी में आयोजित रक्षाबंधन पर्व के सम्मेलन के दौरान बहनों से जब राखी बंधवा रहे थे तो उन्होंने मंच से संबोधन किया और वह काफ़ी भावुक भी हो गए। उन्होंने वचन दिया कि किसी भी बहन का कोई भी परिवार हो, समाज हो, कहीं भी कोई इस बात को लेकर मजाक नहीं उड़ा सकेगा कि भाई तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा नहीं होता है। उन्होंने बहनों को वचन दिया कि हम जब तक इस तन में जान है, बहनों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। राजनीति नहीं होगी, राजनीति अपनी जगह है। हम बहनों के लिए जीते हैं, मरते हैं, बहनें हमारी सर्वोपरि हैं। इस दौरान हजारों बहनों ने दीप नारायण सिंह यादव की कलाई पर राखी बांधी, उन्हें आशीर्वाद दिया। हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद थे। इस अवसर पर दीप नारायण ने क्या कहा, यह आप सुनिएगा। हमारे घर वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा बहन गलती हो गई, अब तुम्हारा भाई जब तक जिंदा रहेगा तुम्हें जरूर बुलाएगा। उन्होंने कहा अपने कार के पहुंचने से हमारी इज्जत बढ़ती है, घर वाले थोड़ा मार भी देते हैं, परिस्थितियां हमारी कमजोर है, माँ बाप हमारे कमजोर है, लेकिन तुम्हारा पत्र हमारे घर में हमारा सम्मान बना देता है। इसलिए मैंने सोचा कि जीवन के किसी मोड़ पर रहेंगे, राजनीति में रहेंगे नहीं रहेंगे, तब भी मैंने तुम्हें जब तुम्हारे साथ अपना रिश्ता बनाए रहेंगे तुम्हें बुलाते रहेंगे। बहुत सारे लोग जिंदगी में देखने लगे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा जुड़ी मेरे साथ, अच्छे साथी सहयोगी मिले, संरक्षण मिल गए, भगवान ने गुरुजन दे दिए, भगवान की सेवा में समर्पित संत मिल गए, जिनका आशीर्वाद जोड़ता चला गया और जो नहीं सोचा था जीवन में वो पाते चले। कभी कभी संस्था भी मिली है, मैं सोचता हूँ भगवान परीक्षा ले रहा है, अगर संस्था मिल गई है तो कुछ गलतियां हो रही होंगी हमसे,